हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पेंटिंग मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कृष्ण जी का स्केच, जो बहुत ही इजी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, कृष्ण जी का स्केच बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लैक पेन लेंगे और उस ब्लैक पेन से उनकी आईज को हम ड्रॉ करेंगे, फिर हम उनकी आईब्रो को ड्रॉ करेंगे। अब हमने उनके माथे पर एक तिलक बनाया, उसके बाद हमने उनकी दूसरी साइड की आईज को और आईब्रो को ड्रॉ किया। इसके बाद में हमने इनके सिर के ऊपर मुकुट बनाया है, जो उन्होंने पगड़ी पहना है उस पर हमने कुछ इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। इस तरीके से हमने इनकी पगड़ी बनाई है और इस तरीके से इसके बाद हमने इनके हेयर को ड्रॉ किया है। तो हेयर को हमने इनके इस तरीके से ड्रॉ किया है, केवल कुछ मुड़ी हुई लाइन बनाई है जिससे इनके हेयर को हमने दिखाया है, और हमने इनके कानों में कुंडल बनाया है। अब हम इनके नोज़ और लिप्स को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद में हम इनके फेस का शेप देंगे। अब हम इनके हेयर को, दूसरी साइड के हेयर को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने इनके हेयर को ड्रॉ किया है। देखिए इनका कितना ही सुंदर स्केच बन के आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से फिर हमने इनके दूसरे साइड के हेयर को कंप्लीट किया है। अब हम इनके नेक का शेप देंगे। सबसे पहले हमने इनके हैंड बनाए हैं, जिससे उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है। इस तरीके से हमने इनके बांसुरी को बना दिया है। अब हमने थोड़ा सा इसे डार्क किया है। इसके बाद में हम इनका दूसरा हाथ बनाएंगे। देखिए कितना ही अच्छा स्केच बन के इनका आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से हमने इनकी बांसुरी पकड़ाई है और अब हम इनके हाथों में कंगन पहनाएंगे। हम इसे भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे और अब हम इनके हेयर को फिर से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इनका स्केच बन के तैयार हो गया है और ये काफ़ी ही अच्छे बन के आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।